गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमेशा आप पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, तो अभी तक आप वही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन वर्ब के बाद में आने वाला हमेशा जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस जो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करना, तो ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पेज नंबर 14 और 15 ये ओपन करना है, लेसन नंबर 4, 6 स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर। ओके स्टूडेंट, सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन और थिंग टू हुम और टू विच समथिंग इज डन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, जैसे कि हुम और विच, ये यहाँ पर बताया गया है। समथिंग इज डन, जो किया जाता है, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। पर्सन और थिंग के बारे में, एक तो पर्सन और एक थिंग के बारे में बताया जाना, इसके लिए क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट द एग्जाम्पल। द डॉग बीट टॉम। लुक एट हियर, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस द डॉग? द डॉग इज द सब्जेक्ट। ओके, द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड बीट इज द वर्ब। बीट इज द वर्ब एंड दिस इज, यू हैव टू फाइंड आउट इट इज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आपको ये पहचानना है कि ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। तो द डॉग बीट टॉम, डॉग ने किसको काटा? टॉम को काटा। तो ये जो डॉग है ये सब्जेक्ट अलग है ना, और यहाँ पर जो टॉम है, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ड भी अलग है, डिफरेंस है। सब्जेक्ट डिफरेंस है और ये जो टॉम वर्ड है वो डिफरेंस है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर अलग होता है, डिफरेंस होता है, तो उसी के बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। पता चल गया कि ऑब्जेक्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर सब्जेक्ट और अगर यानी वर्ब के बाद में अगर वही सब्जेक्ट रिपीट आता है, उसी के बारे में अगर रिपीट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर अनादर जो वर्ड आ रहा है वो दूसरा है, दूसरे के बारे में, यानी जो डॉग है वो टॉम नहीं है और जो टॉम है वो डॉग नहीं है। ओके, ये जो टॉम है ये क्या नहीं है? डॉग नहीं है, और जो डॉग है वो टॉम नहीं है, यानी अलग पर्सन है। अलग पर्सन है ना यहाँ पर, तो उसके बारे में बता रहे, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हम सेकंड एग्जांपल यहाँ देखेंगे। लुक एट हियर, रेखा इज पिकिंग फ्लावर्स। रेखा इज पिकिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या है? रेखा है। एंड देन इज पिकिंग क्या है? वर्ब है। एंड आफ्टर दैट ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वर्ब के बाद में, ये अलग है। सब्जेक्ट क्या है? रेखा है। तो रेखा इज फ्लावर है क्या? नहीं। रेखा फ्लावर है क्या? नहीं है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब के बाद में जो वर्ड आता है उसको और सब्जेक्ट को मैच करना है। अगर वो मैच होता है, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका वर्ड जो आफ्टर द वर्ब सेम आता है या रिपीट आता है ना, उसके बारे में बताता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो रेखा ये फ्लावर्स है क्या? नहीं है, दूसरा वर्ड है। और फ्लावर्स ये रेखा है क्या? नहीं है, तो दूसरा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद आपको अगर डिफरेंस पता चलता है, दूसरा वर्ड आता है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। देन थर्ड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू, आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। न्यू बाइक, लुक एट हियर, देखो आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। तो आई मीन्स सब्जेक्ट, यहाँ पर एक सब्जेक्ट डिफरेंट है। हैव बॉट ये वर्ब है, और उसके बाद में जो बचा हुआ
वर्ड है वो क्या है, अ न्यू बाइक, तो न्यू बाइक ये दूसरा वर्ड है और सब्जेक्ट दूसरा है, सब्जेक्ट यहाँ दूसरा है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर दूसरा है। तो अगर डिफरेंस हो वर्ब के बाद में आपको जो वर्ड दिखाई देता है वो डिफरेंस हो, अलग हो, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा न्यू बाइक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता चला कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। इन द फर्स्ट सेंटेंस टॉम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बीट, एंड इन द सेकंड एग्जांपल फ्लावर्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज पिकिंग, है ना। देन इन द थर्ड एग्जांपल अ न्यू बाइक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैव बॉट। ये एग्जांपल हो गए ऑब्जेक्ट के। आपको डिफरेंस अगर वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के जैसा ही, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, दूसरे वर्ड के बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी सम मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू। समटाइम्स अ वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू स्टडी ऑफ दिस सेंटेंसेस। लुक एट हियर केयरफुली, शी गेव मी हर एड्रेस। अभी आपको मैंने जो बताया कि समटाइम्स वर्ब हैज़ अ टू ऑब्जेक्ट, अभी टू ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अभी हमने पढ़ा कि वन ऑब्जेक्ट आपको पता चला, लेकिन यहाँ पर अभी सेंटेंस लॉन्ग है तो आपको पहचानना है कि टू ऑब्जेक्ट कहाँ पर आए। आपको शी गेव मी, यहाँ पर जो गेव है वो वर्ब है और वर्ब के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट है ये वन। यहाँ पर जो शी है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अलग है शी, और ये मी अलग है ना। तो ये शी गेव मी, ये एक वन ऑब्जेक्ट आपको मिला, ये ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देन सेकंड ऑब्जेक्ट हर एड्रेस, हर एड्रेस ये सेकंड ऑब्जेक्ट हुआ इसमें। लुक एट हियर, कभी कभी वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब को कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी यहाँ पर सेकंड एग्जांपल वी हैव टू लुक, राहुल लेंट अस हिज कैमरा। अभी यहाँ पर देखिए जो लेंट है ये वर्ब है, राहुल एक सब्जेक्ट है और उसके बाद में अस जो वर्ड आ रहा है ये राहुल से मैच कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये अलग है। तो अलग जो भी वर्ड आता है आफ्टर द वर्ब और सब्जेक्ट से मैच नहीं होता है, डिफरेंट रहता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं फर्स्ट, और हिज कैमरा ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट मीन्स इस सेंटेंस में हमें टू ऑब्जेक्ट मिले। देन इन द थर्ड एग्जाम्पल ही इज द सब्जेक्ट एंड हैज़ बॉट इज द वर्ब, तो ही एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हैज़ बॉट एक वर्ब है, और हिज सिस्टर, ही हैज़ बॉट हिज सिस्टर अ नेकलेस, ना उसने अपने बहन के लिए नेकलेस लाया। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से, तो आपको यहाँ पर वन ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर, यानी सिस्टर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर वन। देन अ नेकलेस, अ नेकलेस, तो ऑब्जेक्ट नंबर टू, ये ऑब्जेक्ट टू है, दो दो ऑब्जेक्ट आपको एवरी सेंटेंस में फाइंड आउट कर रहे हैं। देन आई सेंट महेश अ चेक, इसमें आपको सेंट ये वर्ब है, आई ये सब्जेक्ट है और महेश ये क्या है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई अलग सब्जेक्ट है और महेश ये अलग है, आई महेश नहीं है और महेश आई नहीं है, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट नंबर वन। और सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये चेक, ये क्या है ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट टू है। ओके, देन इन द लास्ट एग्जांपल वुड यू पास मी द साल्ट, तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा क्या है, यस ऑब्जेक्ट नंबर टू। तो यहाँ क्या है पास, ये क्या है यस वर्ब है, और ये मी क्या है यस ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन, एंड द साल्ट इज नंबर टू, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर टू आया। एवरी एग्जांपल में हमने देखा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट
रिसीविंग समथिंग, पर्सन रिसीविंग समथिंग, कोई तो भी पर्सन क्या कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है, और जिसको दिया है ना, रिसीविंग समथिंग। और आपको बताया है कि थिंग्स दैट पर्सन के बारे में बताया है, हर एड्रेस, ये वर्ब्स के बारे में, वो ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, तो ये फर्स्ट क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट रिसीविंग समथिंग, है ना, रिसीविंग समथिंग, कोई तो भी रिसीव कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट से, रिफर्स टू सेकंड ऑब्जेक्ट, रिफर्स टू सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आपको पता चला है कि ऑब्जेक्ट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द सेंटेंस, वेरी गुड। देन वी हैव टू सी द कॉम्प्लीमेंट, ओके, सो लुक एट हियर, वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द सेंटेंस। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप दैट फॉलोज अ वर्ब एंड डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको पहचानना है कि वर्ड एक शब्द रहता है और वर्ड ग्रुप रहता है जो फॉलोज अ वर्ब, वो किसको फॉलोज करता है, वर्ब को फॉलोज करता है, एंड डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है उसको हम क्या करते हैं, यस, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सो नाउ आई हैव टू गिव द एग्जाम्पल, लुक एट हियर, शी फेल्ट हैप्पी, शी फेल्ट हैप्पी, लुक एट हियर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ओके, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट। इन द वी सी बिफोर what is the object, and now we have to look about the complement. So C is the subject, and what is the verb here, yes, felt, so it is the subject and it is the verb, and after that look at here, jo yahan par verb subject hai wo she hai, aur she felt happy, to yahan par jo aapko word dikhai de raha hai ye subject se match ho raha hai, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, किसके बारे में बता रहा है, शी, यानी जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ जो वर्ड है, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो हैप्पी है, तो हैप्पी किसके बारे में बता रहे हैं, कौन हैप्पी है, वो हैप्पी है ना, तो किसके बारे में बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में, जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यानी सेम है सब्जेक्ट और जो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, किसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगर वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन अलग वर्ड है लेकिन डिफरेंट नहीं है, सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है और यहाँ पर जो वर्ड है वो भी डिफरेंट नहीं है, यानी जो वर्ड के बारे में बता रहा है वो क्या नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। लुक एट हियर अगेन, आई वुड लाइक टू गिव अ वन एग्जांपल, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ये एक एग्जांपल है, तो राम क्या है, बॉय है, तो राम एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है, राम इज सब्जेक्ट एंड वर्ब इज क्या है, वर्ब है, और ये जो अ बॉय, राम ही क्या है, बॉय है, राम ही क्या है, बॉय है, और बॉय कौन है, राम है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये इस वर्ड से मैच कर रहा है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो अ बॉय है ये रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और ये जो राम है इसके इससे रिलेटेड है, और यही इससे रिलेटेड है, तो ये मैच कर रहा है, इसीलिए हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको फिर, कॉम्प्लीमेंट, उसी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ दूसरा वर्ड नहीं है, दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, उसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट, उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अनादर एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूँगी, जैसे कि लुक एट हियर, दे वेयर बिजी, दे वेयर बिजी, लुक एट हियर, दे वेयर बिजी, दे एक सब्जेक्ट है, वेयर एक वर्ब है, और यहाँ जो बिजी वर्ड दिखाई दे रहा है ये किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, ये यानी बिजी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट,
बीजी ये जो वर्ड है ये रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, डिस्क्राइब कर रहा है किसके बारे में, यस सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट किस यहाँ पर जो डिस्क्राइब कर रहा है ये रिलेटेड टू द इस वर्ड्स के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक जैसे होना, सब्जेक्ट से रिलेटेड होना, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट से मैच हो रहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आपको कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है, यस उसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, उसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड। और ये जो कॉम्प्लीमेंट का वर्ड होता है ये दूसरा होता है लेकिन उसी से मैच होता है, उसी से रिलेटेड होता है, इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये जो आपको ये एग्जाम्पल दिया ये भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उससे अलग है, और यहाँ पर जो बॉय है अलग वर्ड है, लेकिन ये बॉय कौन है, रामी है, और रामी क्या है, एक बॉय है ना। तो ये एक किस तरह से सेम है, सेम सब्जेक्ट के बारे में यह इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। लुक एट केयरफुली। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, यू हैव टू फाइंड आउट वॉट इज द ऑब्जेक्ट एंड वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। केयरफुली रीड दिस। ओके, पेटर टुक माय पेन। जो आपको अभी मैंने पढ़ाया ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आपको इस सेंटेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। पेटर टुक माय पेन, यहाँ पर जो पेटर है वो सब्जेक्ट है, देन टुक इज द वर्ब, माय पेन। तो पेटर और माय पेन ये सेम है, नहीं है, यानी डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, और यहाँ जो आफ्टर द वर्ब ये वर्ड दिखाई दे रहा वो भी डिफरेंट है। ये जो माय पेन ये नाउन है यहाँ पर, तो ये भी डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या पता चले, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको अंडरलाइन करना है किसको, इसको, यानी ये ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया, वेरी गुड। देन सेकंड एग्जांपल, द मैन सीम वेरी नाइस। अभी आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, वेरी नाइस, है ना। द मैन सीम वेरी नाइस, तो वेरी नाइस ये मैन के बारे में बता रहे, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, द कैट चेस द रैट। तो ये आपको ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, यस ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ये अलग है, डिफरेंट है। तो इजीली आपको गॉट इट हो गया, ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट, द स्टोरी इज मोस्ट अम्यूजिंग। स्टोरी है और वर्ब है उसके बाद, यानी सब्जेक्ट है वर्ब है उसके बाद में आप यहाँ पर आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है मोस्ट अम्यूजिंग है। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, यस इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट। देन अनीता हैज वाटर द प्लांट। यहाँ पर आपको केयरफुली फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद में वर्ड आ रहा है वो डिफरेंट है या सेम है। तो आपको इजिली गॉट इट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या है, यस ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। देन लास्ट, सरोजा लुक्स वरीड। सरोजा है वो देख रही है, कैसे दिखती है, वरीड दिखाई दे रही है ना। तो सरोजा के बारे में बताया है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मीन्स आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट। सो आपको एक्सरसाइज दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश ग्रामर के टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 16, एक्सरसाइज 4 एंड 5, 6। लुक एट हियर, पेज नंबर 16 एंड 17। तो ये आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।